वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बनाने वाले हैं लोगो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है गाइस। अभी तक मेरा चैनल हाउ टू मेड को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे। इस पर इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से। डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद मैंने एक टेक्स्ट लोड करके रखा, मैंने इसको ये किंग का है तो किंग का मैंने लोड करके रखा हुआ है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ पे आके सेट कर देंगे। अभी क्या करेंगे, कलर क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे कलर्स में, इसको अनेबल कर देंगे। इसमें कोई सा भी कलर अपना ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी च्वाइस हो। यहाँ पर मैं इसको वाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे वाइट हो गया। वाइट करने के बाद यहाँ पे डन कर दिया। डन करने के बाद नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे शेडो का ऑप्शन दिया, तो इसको हम अनेबल कर देंगे। नहीं करने के बाद इसको मूव करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए मूव होने लगा। इसको हल्का सा इसको हम थोड़ा सा इसको 70 तक इसको हम मूव कर देंगे। तो इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे शेडो पे आ जाएंगे। शेडो क्या करेंगे, इसको हम अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, देखिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे -196 पे कर देंगे इसको सेट। यहाँ पे हम लेंगे येलो कलर, येलो कलर आ गया। आने के बाद क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डन। डन को हमने देखिए गाइस, ये हमारा इसका अच्छा लुक आ गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे शेप लेंगे। शेप लेने के बाद क्या करेंगे, 100% कर देंगे रेडियस को। तो यहाँ पे इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ऐसे बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद क्या करेंगे, हम टेक्स्चर में जाएंगे। यहाँ देखिए टेक्स्चर पे जाए, टेक्स्चर पे गाइस में आपको, तो यहाँ पे मैं जाने लगा हूँ। उसके देखिए यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसको मैं ऐसे इसको क्या करेंगे, हम डन कर देंगे। डन करने के बाद क्या करेंगे, टेक्स्चर पे जाएंगे, फिर से इसको अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद उसको 100% कर देंगे। 100% करने के बाद यहाँ पे इसको हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे के इम्बोज का ऑप्शन दिया है, तो उसको क्या करेंगे, अनेबल कर देंगे। उसको शाइनिंग जो आती है अच्छी आने लगती है। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर इसको क्या करेंगे, बैक कर देंगे। बैक करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे परफेक्टली ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद एक शेप ऑल लेंगे। शेप करने के बाद 100% रेडियस कर दो। रेडियस करने के बाद यहाँ पे देखिए इरेजर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सर्कल ले लेंगे, यहाँ पे सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद यहाँ पे इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर देंगे। ये रहा, सेट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम टेक्सचर में जाएंगे। आप कोई सन पे कि हमें इसको एक किंग कलर लेंगे यहाँ से। इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे हम टेक्सचर में जाएंगे, टेक्सचर को अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद इसको हम 100% कर देते हैं, या 205 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद क्या करेंगे, एम्बॉस में जाएंगे, जिसको शाइनिंग और भी बढ़ जाए। यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद 3D ऑप्शन देना है हमें, तो 3D ऑप्शन के लिए इसको अनेबल कर देंगे। अनेबल हो गया, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो उसे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद इसको 2% कर देंगे। 2% करने के बाद यहाँ पे देखिए 3D ऑप्शन में जाइए। 3D ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया, तो क्या करेंगे, हम इसको हम वाइट करेंगे, डार्क एकदम वाइट कर देंगे, जिसमें वाइट दिखे पूरा। तो इसका हम क्या करेंगे, ऐसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको PNG बीन बनाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारा जो बैकग्राउंड है रिमूव हो गया। गाइस देखिए हमारा जो
लोगो है परफेक्टली बन चुका है। गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।